Naathuram was definitely not a criminal. I'll agree with that point. But Naathuram did a huge disservice to Hinduism and Hindus of this country. जो पूरी बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, इज दिस बुक रिटन बाय अ मोदी भक्त? व्हाई आई एम सेइंग यू क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड है कि भाई तुरंत दुनिया डिवाइड हो जाती है मोदी भक्त में या अंधभक्त में. सो इज दिस रिटन बाय अ मोदी भक्त और एन अंधभक्त? आजकल एक बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है नाथू की सोच या गांधी की सोच. और जो जनरेशन है, अब आप उसको सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कह लो या हिस्ट्री की समझ कह लो, बट जो अभी जनरेशन है दैट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स नाथुअन सोच. क्या आपका इस पर सोचना सही है? इस देश में इस देश की सोच ही रहनी चाहिए, ना नाथू की रहनी चाहिए ना गांधी की रहनी चाहिए, धार्मिक सोच. वेलकम दोस्तों टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट. यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की. किसी भी देश का अगर आपको भविष्य जानना है तो हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा. और इतिहास एक ऐसा टर्म है जिसको बहुत ज़्यादा ट्वीक किया जाता है, जिससे खेला जाता है. या तो इतिहास हमको सच बताता है या इतिहास हमसे छुपाया जाता है. और इतिहास एक ऐसा है जो आने वाले भविष्य को हमें एक संरचना देता है. मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है भारत राइजिंग, रिटन बाय उत्पल कुमार. उत्पल कुमार जी के बारे में बताऊं तो ही इज़ एन ओपिनियन एडिटर ऑफ न्यूज 18 एंड फर्स्ट पोस्ट. 20 इयर्स से जर्नलिज्म की दुनिया में है और बहुत रिसर्च की है उन्होंने. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड अबाउट फ्यूचर ऑफ भारत. और नॉट ओनली फ्यूचर बट हिस्ट्री को कैसे क्या छुपाया गया और क्या बताया गया. अ वेल रिसर्च बुक. और इस बुक को पढ़ने के बाद देयर वर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वेयर इन माय माइंड. अगर आपको मैं बुक दिखा पाता तो मैंने पूरी बुक में बुकमार्क कर रखे. आई वाज सो मच इनटू दिस बुक. सो चलिए बात करते हैं उत्पल सर से और जानते हैं उनके व्यूज़ मेरे क्वेश्चंस पे. तो बने रहिए बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट में. इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना क्योंकि हमारे देश के लिए ऐसे पॉडकास्ट आपको जानना, आपको इन्फॉर्मेशन सुनना बहुत ज़रूरी है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो. सर वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक बहुत शानदार है, मतलब दिल से कह रहा हूँ. मतलब मुझे ऐसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसमें बहुत रिसर्च हो पर रिसर्च परफेक्ट हो, और वो इस बुक में से समझ में आता है. तो आप थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस शो, फर्स्ट फॉर दिस राइटिंग दिस सच अ वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस सो या थैंक यू. इट वाज माय रियली डिजायर टू बी हियर. सर तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो पूरी बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, इज दिस बुक रिटन बाय अ मोदी भक्त? व्हाई आई एम सेइंग यू क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड है कि भाई तुरंत दुनिया डिवाइड हो जाती है मोदी भक्त में या अंधभक्त में. सो इज दिस रिटन बाय अ मोदी भक्त और एन अंधभक्त? मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि हम ऐसे समय में हैं या तो आप मोदी के सपोर्ट में हैं या फिर विरोध में हैं. आप सेंटर में भी रहेंगे तब भी आपको कोई ना कोई एक टैग दिया ही जाएगा. और तो आप ये कह सकते हैं मैं आई थिंक मैं भारत भक्त हूँ. बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलेंगे वो यहाँ भी बोलने से कतराएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं आई एम इंटरनेशनलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट को, बट मैं भारत भक्त हूँ. और जहाँ भारत का मुझे हित दिखा जिन चीज़ों में, वहाँ मैंने मोदी को सपोर्ट भी किया. जिन चीज़ों में मुझे लगा कि वो कुछ ज़्यादा कर सकते थे नहीं किया, फ्यूचर में करें, जैसे मैंने इतिहास लेखन पर भी उसमें लिखा है. मैंने मंदिर के लिबरेशन के बारे में लिखा कि मंदिर सरकार सेकुलर स्टेट है तो सरकार क्यों मंदिर चलाएगी हमारी. तो मैंने उन बातों पर भी जोर दिया है. लेकिन जहाँ तक जो अच्छे काम हैं, अब जस्ट बिकॉज हम मीडिया में हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके अच्छे कामों को भी हम गलत करें या जो अच्छे काम हैं मैंने उनको भी गिनवाए हैं और उन्होंने अच्छे काम ज़्यादा किए हैं. इस ये बोलने में मुझे कोई शक नहीं है. और इसके लिए यदि मुझे कोई मोदी भक्त बोलेगा तो फिर ये उनकी सोच ही गलत है. और लेकिन अदरवाइज मैं भारत भक्त हूँ. सर एक चीज़ जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, मतलब आई एम ऑल्सो फैन ऑफ मोदी जी, बट जनरली आप लोगों के डिबेट में जाओ तो सबसे पहला होता है कि अरे मीडिया तो ना बायस्ड है, मीडिया तो खरीदा हुआ है पूरा, इसलिए मोदी मोदी कर रहे हैं वरना और कुछ नहीं है, नंबर सब ट्यूब्ड है. तो बिकॉज यू आर फ्रॉम ए मीडिया पर्सनैलिटी, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मीडिया इससे ज़्यादा कभी फ्री नहीं था. इससे ज़्यादा कभी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मीडिया में, अखबार में, न्यूज़पेपर में इससे पहले कभी नहीं आया. इससे पहले सबसे एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था, क्लिक था, गैंग जिसको लोग बोल देते हैं, लुटेन गैंग का नाम दे देते हैं, वो लोग कंट्रोल करते थे। आप देखिए जो डिफरेंट नैरेटिव्स, आज आप सोशल मीडिया निकालिए, यू विल सी ऑल सॉर्ट ऑफ नैरेटिव, मोदी के सपोर्ट में भी है, मोदी के खिलाफ में भी है। तो आज के समय में वो अब ये बोल रहा है कि मीडिया मतलब मोदी कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट मोदी मीडिया से बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट भी नहीं है। आप देखिए वो अपने साथ मीडिया वाले को सरकारी उसमें घुमाने भी नहीं ले जाते हैं। ही डजंट डू एनीथिंग। ये बड़ा डिफरेंस आप बता रहे हो। जनरली आप सोशल मीडिया पोस्ट देखो तो लोग ना वो फोटोज डालते हैं कि मोदी जी मतलब कहीं कहीं हाथ हिला रहे हैं या सामने कोई है भी नहीं। ही इज मोर ऑफ अ मीडिया पर्सन। या नो ही इज अ वेरी स्मार्ट कम्युनिकेटर। वो बहुत जैसे हमने और भी वीडियो देखे जहाँ कोई के सामने आया तो उन्होंने पीछे भी किया। दैट इज बिकॉज ही अंडरस्टैंड द मीडियम वेल। वो मीडियम समझते हैं कि भाई इस समय मैं यहाँ हूँ, मुझे रहना चाहिए और मुझे आगे रहना चाहिए। तो दैट इज़ फाइन। उससे क्या फर्क पड़ता होना भी चाहिए। वो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 लाख का सूट पहनते हैं या 1,000 का सूट पहनते हैं। टिल द टाइम ही इज़ परफॉर्मिंग एज ए पर्सन। आई थिंक मीडिया में बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत छोटी चीज़ों को भी बड़ा बना देते हैं। नैरेटिव सेटिंग उसको बोलते हैं। अदरवाइज ऑन इशूज़ वाइज जितने बड़े बड़े इशूज़ हैं आप उस पर देखें कि हाँ भाई भारत 2014 में जो था 2024 में क्या उससे बेहतर स्थिति पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उस पर डिबेट हो और उसके हिसाब से ये जज हो कि मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे। यदि थे तो वी शुड गिव हिम क्रेडिट। उसमें ना हम मोदी मीडिया की बात आती है ना ही एंटी मोदी मीडिया की बात आती है। सो मेरा ये मानना है। तो अगर हम इन्हीं नंबर से बात करें, आप कह रहे हो 2014 से 2024 तक अगर हम सफ़र की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मीडिया या गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने इकोनॉमी को यहाँ पहुँचा दिया, हमने ये इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया, हमने गैस कनेक्शन इतने दे दिए। What's your view? क्योंकि आपने रिसर्च बहुत की। Are these numbers true? क्योंकि recently I was discussing with someone, जो सर कि नहीं सारे numbers fake हैं, ये सारे गवर्नमेंट के numbers को fake किया गया है, ट्यूब किया गया है just to show कि हम सब improve कर रहे हैं, but it is not true। देखिए सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है ना, ये देखिए जो आज की पब्लिक है ना ये सब जानती है। ये वो बेवकूफ़ नहीं है। यदि वो 2014 में 282 सीट्स दे रही है और 2019 में वो 302 दे रही है तो उसने कुछ देखा है कि कुछ के लिए काम हुआ है। ये समय आप भूल जाइए। इनफैक्ट दिस इज टाइम यहाँ की एंटी इनकम्बेंसी ऐसे आती है जी यार ये जनता को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब आप इतने बड़े मैंडेट से आते हैं। कोई भी आप देखिए राजीव गांधी के साथ क्या हुआ। ही केम विद मैंडेट 400+ सीट्स, विद इन 3 साल में उनकी धज्जियाँ उड़ गई। बिकॉज जितना बड़ा मैंडेट मिलता है लोग एक्सपेक्टेशन उतना बढ़ा करके आते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन के बावजूद 2019 में वो 300 किए और अभी मेरा अपना सर्वे हमारे मीडिया हाउस का न्यूज 18 ने किया है, उसके हिसाब से 400 पार ही है। तो 400 पार ना भी हो एटलीस्ट टुडे ये तो दिख रहा है कि 302 का वो डेफिनेटली आकर क्रॉस करेगी अभी के सिचुएशन में। पॉलिटिक्स में 2 महीने बहुत लंबा समय होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो उन्होंने काम तो डेफिनेटली किया, एटलीस्ट पब्लिक फील कर रही है, जो यहाँ के जो वोटर हैं आम आदमी वो फील कर रही है। आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंटेलेक्चुअल हम उसको कैसे देखते हैं तो हम वी कैन टेक बेसिक पैरामीटर्स। अब इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी हम आज 5वें पायदान पे हैं। कोविड के समय में हमने कुछ लूज़ किया था तो लेकिन वो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना था और ये इंडिया ने जितनी जल्दी रिकवर किया वहाँ से वो काबिल तारीफ थी। और अब जो हमारी जो डेटाज बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डिकेड 2030 से लोग इनफैक्ट बोल रहे हैं 2026-27 तक में ही वी विल बी नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो हम इकोनॉमी अच्छे कर रहे हैं। IMF का कहना है कि वी आर द ओनली ब्राइटेस्ट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। सो अच्छा तो हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने उसके साथ ये भी क्या किया है, इन्होंने सोशलिज्म छोड़ा नहीं है, गरीबों को छोड़ा नहीं है। आप देखिए उन्होंने जो कांग्रेस के जितने भी काम थे उन्होंने फॉलोअप किए हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो अपने कामों को ही ऑन अप नहीं करते। नरेगा हो गया, ये हुआ, ये सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि उसमें जो भी करप्शन के चांसेस थे या खामियां थी उन्हें हटाया। लाइक उन्होंने सबको बैंक अकाउंट कर दिया तो बैंक अकाउंट क्या हुआ कि डायरेक्ट जो पैसा है गवर्नमेंट से आम आदमी को बिना बिचौलिए के जा रहा है। अब राजीव गांधी के टाइम में वो 85% बिचौलिया लेके निकल जाता था। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें करने से क्या हुआ कि आम आदमी को जो सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उसका इमीडिएट फ़ायदा मिल रहा है। चाहे वो चावल दाल फ्री में मिले, चाहे जो मिले वो तो ये बड़ी स्मार्टली उन्होंने किया। उन्होंने देश का डेवलपमेंट किया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखिए, रोड्स। और सबसे बेहतर आप यूपी चले जाएँ, यूपी बिहार, रोड्स आपको दिखेंगे यही तो जगह था जहाँ की आप गाड़ी चलाना मुश्किल होती थी। लॉ एंड ऑर्डर पे सुधार है, आप यहाँ रात में भी ड्राइव कर सकते हैं। मैंने किया है तो मैं एटलीस्ट आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री विद दैट। सो ओवरऑल जो एक परसेप्शन है पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात उसने की है कि जो बड़ी बड़ी इश्यूज़ थी जिसे हमें लगता था कि कभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, इस सरकार ने उसको भी टच किया और उसको डील किया। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A एक समय था कि ऐसा लगता था, और लोग चुनौतियाँ देते थे कि आप हटा के देख लो कश्मीर में आग लग जाएगी, चुनौतियाँ थी। और हमें लगता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इट्स टू डेंजरस, कोई नहीं करता है। देखिए आज कश्मीर में आप जाके देखिए, कश्मीर एक दूसरी जवान में बोल रहा है कश्मीर में। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था। मैं भी आज सुबह में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे कुछ कश्मीरी लोग उनकी सभा के बाद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन भी ये था कि मतलब क्या मीडिया सिलेक्टेड वीडियोस पब्लिश कर रहा है कि ओवरऑल इट्स अ चेंज। बुरे और अच्छे लोग सब जगह होते हैं। लाइक वो लोग बोलते हैं ना कि ग्लास आधी भरी है या आधी खाली है, वो आपके देखने के नज़रिए पे। आप पॉजिटिव है तो आप डिफरेंट देखेंगे। अब आप खोजना चाहेंगे, चुना चाहेंगे हुरियत लोगों को, तो वो भी बैठे हुए होंगे कहीं, आप उससे बुलवा सकते हैं, हो जाएगी। बट आप इंसिडेंट देखिए, मुहर्रम का जो जुलूस है ऑलमोस्ट 2 या 3 दशकों के बाद श्रीनगर में गुजरा। और ये सिया थे, ये मुसलमान ही हैं, उनके रिलीजियस प्रोसेस नहीं निकलते थे। वो निकलना अपने आप में नहीं दिखाता है कि वहाँ चेंज है। अब सबसे बड़ा चेंज है, मुझे याद है 1992 में या 1992 में, उस समय भी मोदी जी थे और जोशी जी थे, प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, और उन्होंने भारत यात्रा की थी। और कश्मीर में उन्हें लाल चौक पर झंडा फहराने की बात थी। और मुझे छोटा था लेकिन मुझे अभी भी याद है, इट बिकेम नेशनल डिबेट, कैन ही गो देयर, कैन ही डू दैट, शूट कर दिया जाएगा। आज देखिए वहाँ झंडा फहर रहा है भाई, लोग वहाँ घूमते हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सो चेंज तो है ही ऑन ग्राउंड चेंज है। और इस चेंज का एक क्रेडिट तो इनको देना ही पड़ेगा, आप ना भी दें। और दूसरा बात है कि लाइक इस सरकार की एक जो जहाँ क्रेडिट आप दे सकते हैं, इसने ये दिखाया कि चेंज मुमकिन है चाहे कितना भी डिफिकल्ट होता है। आर्टिकल 370 हो या राम मंदिर भी हो। राम मंदिर में मैं आपको इंटरनल बात नहीं बताऊँगा, मुझे किसी ने बताया कि हाउ इट वॉज एक्चुअली डन, किस तरह से मोदी जी और रीच आउट टू जुडिशरी, लॉट ऑफ थिंग हैपन। बट ये है कि मैं बहुतों से मिला जो ये बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने राम मंदिर बन जाएगा। वो चीज़ पॉसिबल हुआ। तो ये तो लोग देख रहे हैं ना। तो जहाँ आपकी जो दाल चावल वाली इशू है, यानी जो गरीबों को चाहिए, वो भी वो डील कर रहे हैं। सबको मकान दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, आपको उज्ज्वला स्कीम है। और जब लार्जर सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं जो मैंने अपने बुक में धर्मा चैप्टर में उसमें डील किया है, उसको भी वो इन ए वे डील कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं गया था मतलब 6 साल पहले, तब तक 370 था वहाँ पर। तो आई रिमेंबर कि मेरे बेटे को डल लेक के ऊपर एक मंदिर है देवी जी का, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ पर उसको चोट लग गई थी, ही गॉट अ कट इन हिज स्टमक, उसको रॉड लग गया था। तो हम लोग इमीडिएटली, क्योंकि नीचे आर्मी कैंटोनमेंट है, तो वी वेंट टू द आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। तो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स ने फटाफट उसको फर्स्ट एड वगैरह दिया। एंड देन दे क्वेश्चन अस कि आप कहाँ जा रहे हो क्या, तो वी सेड कि नहीं हम लोग डल लेक घूमने जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली चोट लग गई तो अब नहीं जाएंगे। तो वी सेड कि नहीं, इफ आप आए हो तो आपको जाना चाहिए। सो दे इमीडिएटली अरेंज्ड अ मोटर बोट फॉर अस, आर्मी की मोटर बोट। एंड जैसे कि नहीं हमारे आर्मी के गार्ड साथ में जाएंगे एंड दे विल टेक यू अ कंप्लीट लाइक, बच्चे को चोट लगी है। देन उनकी आर्मी बोट एंड आई रिमेंबर, मैं इसलिए इनसे सुना रहा हूँ, जब हम लोग आर्मी उसके लिए पहुँचे डल लेक के पास, मोटर बोट खड़ी हुई थी। तो मोटर बोट तक जाने के लिए हम लोग को पहले एक शिकारे में घुसना था, शिकारे से उधर निकलना था। तो जैसे ही हम शिकारे में घुसे तो एक छोटा सा बच्चा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे कश्मीरी। वो पता है क्या बोले आर्मी वालों से, तेरे बाप की बोट है उसके अंदर घुस रहा है। दीस वर दी वर्ड्स। तो आर्मी वाले मुझसे कहें साहब देखो हम इनकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं और ये बच्चे हमसे ऐसे बोलते हैं। मेरी फैमिली में गए थे, मेरे फादर लोग गए थे कश्मीर। उस वक्त मिलिटेंसी शुरू भी नहीं हुई थी, 80s की बात है, शुरू हो गई थी या होने वाली थी। और कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने बोला कमेंट्री चल रही, तो पूछा कि क्या मैच है, तो आपके इंडिया का पूछ रहे हैं या पाकिस्तान का पूछ रहे हैं, आपका इंडिया। सो ये तो नैरेटिव वहाँ थी। और ये लॉन्ग बैटल है, बट ये है कि आज एटलीस्ट आज सिचुएशन कंट्रोल में है। और यदि ठीक से हैंडल किया तो सॉल्यूशन में ऑल्सो कम। और अब वहाँ के लोगों को भी दिख रहा है बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और इस पार क्या हो रहा है। मैं yesterday only I was listening to one of the conversation of a Pakistani reporter, he visited India and he was shocked to see UPI payments। वो लगातार यही बोल रहे थे, कहते मैं चाय की दुकान पे गया हूँ उसके पास कुछ नहीं है, एक छोटी सी सिगड़ी जला के बैठा है फिर भी यूपीआई। भाई साहब पाकिस्तान वाले तो ठीक है, हो गया वेस्ट वाले आते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे एक मित्र आए थे फ्रांस से और हम चाय पिए और मैंने यूपीआई किया सो उन्हें लगता है चाय वाला तो मतलब। माई सिस्टर वॉज इन US अबाउट 3-4 months बैक, तो वो कहती मैं वहाँ जाके परेशान हो गई अचानक। मैंने क्यों क्या हुआ? कहते यार मैंने कैब वैब सब ले लिया, उसके जब पेमेंट करने हैं तो वहाँ को यूपीआई नहीं, वो कहते ओनली क्रेडिट कार्ड। कहते वो क्रेडिट कार्ड मेरा चल नहीं रहा कहती मैं बहुत परेशान हो गया, मैं पेमेंट कैसे करूँ? कहती यूपीआई वहाँ चलते ही नहीं है। कहती अल्टीमेटली फिर मैंने एक हमारे कज़न है उनको फ़ोन किया कि वैसा प्रॉब्लम हो गया, देन ही डिड पेमेंट फ्रॉम हिज कार्ड। कहती ऐसे करके वहाँ पे हम एंड लुक एट द चेंज विद इन 6 years एंड दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो दिस इज व्हाट भारत राइजिंग इज ऑल अबाउट। यस and it's surprising yeah। तो इसमें like हिंदू सेंटीमेंट्स की आपने जगह बात की है, like जो अभी आजकल कहते हैं कि यार हिंदुज़म बहुत हो रहा है, हम सेक्युलर नहीं रहे, हम हिंदू ज़्यादा कर रहे हैं, वेयर यू हैव मेंशन कि नहीं ऐसा नहीं है, बट ये है कि पहले हिस्ट्री हमसे छुपाई गई या हमारे सामने नहीं थी, अब हिस्ट्री क्योंकि सामने आ गई है, सच्चाई लोगों को दिख रही है, सो ऑब्वियसली इट्स मोर अबाउट हिंदुज़म। So, there are two points to that in fact। जब आप ये बोल रहे हैं कि आज हिंदू हो रहा है और सेक्युलर नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन हुआ कि क्या पहले सेकुलर था? तो सेकुलर था तो सरकार हमारी हिंदू टेम्पल्स को क्यों पकड़े हुए? दिस शुड लिबरेट ना। 100,000 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल सरकार चला रही है, सेकुलर स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्पेशली व्हेन जब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो टेम्पल्स हैं उनके जो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो रिलीजियस बॉडी उसको तो टच नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मदरसाज हो चाहे मस्जिद हो, वो दे आर फ्री टू रन। हिंदू टेम्पल्स को कर रहे हैं सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 36,000 प्लस, फॉलोड बाय कर्नाटका 34,000। और तो और आप ये हद है, मतलब ये तो भारत में हो सकता है कि केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसके लिए नो रिलीजन इज ओपियम, वो भी 3,500 मंदिरों को चला रहे हैं। तो ये सेकुलर कहाँ से हो गए? तो फर्स्ट तो ये सेकुलर पहले बने, इनफैक्ट दे वर मोर कम्युनल देन। यदि आप किसी रिलीजियस विशेष के प्रतिनिधि को इमाम हो गए को आप सरकारी उसे पैसे दे रहे हैं, तो सेकुलर कहाँ से आप हुए? आप सेकुलर कभी थे नहीं। इनफैक्ट भारत सेकुलर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बहुत लंबा डिबेट चला था, आप इनफैक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपकी बुक में जी, लेकिन अब डिबेट मैंने नहीं किया, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें सारे हमारे जो बड़े जो भी हमारे नेता थे, अंबेडकर से लेके पटेल एंड आपको अंबेडकर, मुंशी जी एंड एवरी, दे ऑल पार्टिसिपेटेड एंड दे डिसाइडेड दैट वी विल नॉट पुट द वर्ड सेकुलर इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर वाज नो वर्ड सेकुलर इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट देखिए और आया कब? जबकि इस देश में एग्जैक्टली जब ये देश में इमरजेंसी थी, जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तब ये रात के अंधेरे में लाया गया। सर क्यों लाया गया? मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है क्योंकि सेकुलरिज्म इसीलिए था क्योंकि सेकुलरिज्म को इन लोगों ने प्रो माइनॉरिटिज्म का जामा पहना दिया। यहाँ सेकुलरिज्म मतलब ये होगा जो मनमोहन सिंह के वर्ड में जो 2009 में उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज हैव फर्स्ट राइट टू नेशंस रिसोर्सेस, ये सेकुलरिज्म बन गया। यदि ये सेकुलरिज्म है तो फिर तो माइनॉरिटी पेंडिंग होगी ना, तो कभी ना कभी मेजॉरिटी भी तो जागेगा। अभी क्या हो गया? मुझे याद है मैं यूपी में मैं गया था यहाँ आपको बनारस इस पुस्तक को लेके, तो मेरा जो एक ड्राइवर था मैंने उससे पैसे पूछा कि अच्छा आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम बताया, यूपी नाम था। तो मैं पैसे पूछूँ क्या कास्ट है, तो क्या कास्ट है, ही टर्न बैक एंड सेड मैं हिंदू हूँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है यूपी में, मैं हिंदू हूँ। और वही समझ में आ गया कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने बनिया को, यादव को, भूमिहार को, ब्राह्मण को जोड़ के हिंदू बना दिया। और तभी यहाँ 70 seats और 67 seats आउट ऑफ 80 यूपी में, बिहार में 40 में 35, 36, 38 सीट्स आ रहे हैं, बिकॉज कास्ट नहीं रहा। और ये अभी और हो रहा है, अभी भी ये अपनी चरम पे नहीं पहुँचा है, एक प्रोसेस होता है ना, तो अभी वो डेवलप ही कर रहा है। सो ये तो होगा जब आप सेकुलरिज्म को आप सेकुलरिज्म के नाम पे आप प्रो माइनॉरिटीज़म का आप गेम खेलेंगे, तो ये तो होना ही है। बट आपका दूसरा सवाल, I'm sorry, मैं अमेंडमेंट एक्ट जो, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली इस पर कि इमरजेंसी के टाइम पे 42 अमेंडमेंट में सेक्युलरिज्म वर्ड जो अंबेडकर ने मना किया था वो ऐड करवा दिया गया इंदिरा गांधी के थ्रू। इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए भी ऐड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एडिशन या डिलीशन करने के लिए It should be a consent from everyone, उस पर डिबेट होता है। See, they had पार्लियामेंट्री का वो था, वो उस समय उन्होंने कर दिया। See, उन्होंने उस समय जो किया वो मुझे असर नहीं करता है। उस समय तो हम इमरजेंसी पे थे, उन्हें जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने सबको जेल में दिया, बहुतों को मारा पीटा, क्या नहीं किया। तो बहुत काला ही अध्याय हमारे डेमोक्रेसी का। लेकिन उसके बाद हमने क्या कि वो इम्पोर्टेंट है, हमने उस वर्ड को तो और गले से लगा दिया। Every political party, including BJP, now swears by secularism. Every, including BJP. See, political party तो ये भी है ना, तो everybody does it. But ये है कि हमें ये अब आप देखिए कितना फॉलिसी है इन आर्गूमेंट, जब आप बोलते हैं कि हमने सेकुलर ढांचा को हमने छोड़ दिया। हमारे जो नेशन बिल्डर थे वो कितने क्लियर माइंडेड थे। आप ओरिजिनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन का निकालिए और फर्स्ट चैप्टर आप पलटेंगे तो पहला फोटो किसका मिलेगा? श्रीराम। हाँ, ये मैं क्वेश्चन नंदी का। अच्छा, नंदी, वही नंदी यहाँ वापी में जो नंदी अभी भी वेट कर रही है अपने आराध्य का, उसी नंदी की फोटो है। उसमें राम, लक्ष्मण, सीता माँ का फोटो है बनवास। ये तो ओरिजिनल वाले में है, ओरिजिनल वाले सारी 22 पेंटिंग हुई है। हाँ, तो इसमें ये फोटोज रिमूव क्यों करवाई गई? नहीं, है ओरिजिनल में, है ओरिजिनल में, ओरिजिनल है, अमेंडमेंट्स में नहीं। अमेंडमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें है, उसके बाद जो और भी कॉपीज बनती है ना उसमें नहीं डाला, क्योंकि ओरिजिनल तो आप अच्छे से बनाते हो, सो दैट्स लाइक वन कॉपी टू कीप। लेकिन आप सोचिए यदि हमारी ये सोच होती कि ये समथिंग कम्युनल है तो हम उसमें डालते ही नहीं ना। दे ऑलवेज सेकुलर पीपल, दे वर लिबरल पीपल, बट उनकी सोच थी। हम हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमारे कल्चरल सिविलाइजेशनल इथोस को जो हम कम्युनल जामा पहनाते हैं, हम उसको पता करते हैं ये कम्युनल है। राम रिलीजियस हो गए, राम रिलीजियस नहीं है, राम कल्चरल आइकॉन है, हमारे हिस्ट्री है हमारे। यदि राम को लेके यदि क्या होता है, थाईलैंड में राजा अभी भी अपना टाइटल रखता है, बुद्धिस्ट कंट्री है। साउथ कोरिया में हिंदू तो नहीं है वहाँ, लेकिन दे स्टिल बिलीव दैट दे केम फ्रॉम अयोध्या। इन मलेशिया, इंडोनेशिया हिंदू तो नहीं है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन दे स्टिल हैव ए ग्रेट प्लेस फॉर रामायण महाभारत, क्योंकि वो उसको कल्चरली देखते हैं। पाकिस्तान नहीं देखता है, इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान के जो फर्स्ट ऑफिशियल सिटीजन कौन है, आप सरप्राइज होंगे जान के। फर्स्ट ऑफिशियल सिटीजन है मोहम्मद बिन कासिम, वही सेम लुटेरा जो 712 AD में आया और सिंध में उन लोगों को मारा जिनके वंशज आज वहाँ मुसलमान बने हुए। सो अपने ही जो माँ बाप और दादा दादी जो थे जिनको प्रताड़ित किया गया, उसको उन्होंने अपने गोद पर उठा के अपना पहला सिटीजन बनाया हुआ, क्योंकि आपने हिस्ट्री की समझ काट दी है। आपकी हिस्ट्री है कि हमारी हिस्ट्री भाई इस्लाम से शुरू होती है, 632 से शुरू होगी, और उसके पहले तो सब जहलिया है, सब अंधकार है। सो क्या हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदारो, दे वर ऑन अप। अब कोई भी समझदार आदमी होगा तो उसके लिए कितनी गर्व की बात है कि ये दोनों साइट आपके कंट्री में है। अब आप प्रमोट कर, हम मैं तो अब इंदस वैली नहीं बोलता हूँ या हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं बोलता, मैं सरस्वती सिविलाइजेशन बोलता हूँ, क्योंकि सरस्वती नदी का जो कोर्स है उसमें ज़्यादा साइट्स मिले हैं। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी देखो क्लेम ना भैया ये इंदस वैली है, हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, लेकिन वो नहीं करते हैं। दे हैव गिवन अप, उनको 632 से पहले कुछ नहीं नजर नहीं है उनको, उसके बाद इसीलिए अडॉप्टेड। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है, हम राम को लेके हम उसको रिलीजियस उसमें जामा पहनाते हैं, इसीलिए राम पॉलिटिकल ज़्यादा हो गए हैं। अब आप देखिए राम को मिलिटेंट बना दिया गया है, जबकि राम से ज़्यादा जो आदर्श व्यक्ति जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए वो कोई मिल नहीं सकता है, लेकिन वो आज पॉलिटिकल हो गए। अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रेजेंट करते हैं जय श्री राम बोलने का मतलब कि यू आर बीइंग एग्रेसिव, दिस प्रोजेक्टेड इज एग्रेशन। एग्रेशन इसमें है क्या? हमारे सभ्यता में आप तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आप गांव में अभी भी जाएँ तो राम राम जी, राम 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 करके करते हैं। सो वो हमारा वो था। तो और इसमें हिस्टोरियंस का बहुत बड़ा हाथ है ये करने में। आपकी बुक से ही निकल के आता है, रोमिला थापर जी का एक जिक्र है जहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया था कि जो टेम्पल्स तोड़े गए वो एक्चुअली हिंदू राजा ही जब वहाँ जीतते थे तो जाके टेम्पल्स तोड़ दिया करते थे। वही है, ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं इस पुस्तक में डाला हुआ था। सी बेसिकली उनका कारण क्या था, पहले जो हमारे जो कम्युनिस्ट एमिनेंट हिस्टोरियन थे रोमिला थापर लेके सब लोग, पहले उनकी कोशिश ये थी दिखाने की कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे उन लोगों ने टेम्पल तोड़ा नहीं है भाई, वो आए थे बड़े प्यार से रहते थे, प्यार से धर्म फैलाया और सब हमें सिखाया कुछ, हमें सिखाया हम कास्ट में बटे हुए थे तो हमने कास्ट को सिखाया कास्टलेस रहो, सो दे वर पॉजिटिव फोर्स उनका धर्म। लेकिन जब आप देखिए प्रॉब्लम उनकी ये हुई ना कि जो जो इस्लामिक जो सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसे लोगों को हिस्टोरियंस कहना नहीं चाहिए, लेकिन दे आर एक्चुअली द पीपल हु डिस्टॉर्टेड आवर हिस्ट्री। बट मैं बताऊंगा हिस्टोरियन कैसे बने, इसकी भी कहानी है, तो बट ये मैं पहले लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। सो जब ये बना लेकिन उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि जो राजा है जो आए मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे अपने साथ ये क्रॉनिकल्स भी लेके चलते थे, उनके बारे में लिखना है ना भैया इन्होंने अल्लाह का इतना बड़ा काम किया, तो इन्होंने सब बढ़चे के पूरा लिखा है क्या इस मंदिर का उन्होंने शिव का शिवलिंग उठाया और उसे तोड़ दिया और जो भी फोटोग्राफ थे स्टैचू थे उसको क्या जैसे आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो उसके उसके चौखट पे नीचे पैर के सामने लगाया ताकि आप उसको चढ़ के जाएँ। सो दिस वाज ऑल रिटन, अब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और जब आप आर्कियोलॉजी भी करते हो तो आपको मूर्तियाँ मिल रही हैं जो कि राम मंदिर में भी हुआ, जो अभी ज्ञान वापी में हुआ। सो तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अपने उसका अपना गेम बदला, तब उन्होंने बोला कि ठीक है इन्होंने भी तोड़ा है, उतना नहीं तोड़ा है बट हिंदू भी तो तोड़ते थे, तो ये नया उन्होंने प्रपंच चला। तो उसी पर मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि एक वेस्ट का जो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है उसने रोमिला थापर की एक बुक आई थी अर्ली हिस्ट्री, उसका रिव्यू करते हुए मैंने लिखा कि रोमिला थापर ने किस तरह से इन्होंने एक्सपोज किया था कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ते थे। तो एक अमेरिकन एक लेडी आई थी रिसर्च करने के लिए, तो पहुँची रोमिला थापर के पास कि अच्छा वेयर द एविडेंस मैम, ये मैं नहीं बोला हूँ ये रिपोर्टेड रिकॉर्डेड है। रोमिला थापर बोलते हैं मेरे पास तो नहीं है, आप उनके पास चाहिए, एक और नेम प्रोफेसर, अब उनके पास चाहिए, उनके पास होगा। उनके पास भी गई, उन्होंने बोला मेरे पास तो नहीं है, अमेरिका में जो अवथान है उनके पास होगा। ये डन लॉट ऑफ वर्क, नाउ लुक एट दिस हाउ दे वर्क्ड। एंड जब मैंने रिसर्च किया तो 1969 में एक बुक आई थी पूर्व करना आगमा जी हाँ नहीं वो तो हमारा क्लासिकल बुक है, नहीं रोमिला थापर की एक बुक आई थी 1969 में, उसमें भी मेंशन अबाउट हिंदू डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल्स। तो 69 में यदि उन्हें पता चल गया था तो वाई सी इज नाउ क्लेमिंग द सीटाराम डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने कैसे लिखा था। तो ये लोग लिख देते थे क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं होता था। 69 में कोई मीडिया नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ना आप थे ना हम थे, सब इनकी सरकार थी, इनके लोग थे। अब आपका ये कहना कि लोग हिस्टोरियन कैसे बने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमिला थापर ने अपनी हिस्ट्री जो पहली बुक लिखी थी हिस्ट्री भारतीय इतिहास, उन्होंने एट द एज ऑफ 29 लिखी थी, 29 साल में उन्होंने इतनी बड़ी हिस्टोरियन बन गई। वो उस समय जबकि उसमें आसिम इमदाद हुआ करते थे और ऐसे हजारों राइटर थे, लेकिन उन सबको छोड़ के शी वाज प्रोमोटेड दैट वे। और उसका आप देखेंगे किस तरह से प्रमोशन होता था। एक और थापर हैं राज थापर, वो राज थापर एंड रोमेश थापर दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी किचन कैबिनेट, और ये रोमिला थापर के ही रिलेटिव्स हैं। वो थापर्स का बहुत बड़ा साम्राज्य है, सब जगह है वो। तो राज थापर की एक बुक है ऑल दिस ईयर्स, उसमें एक प्रकरण है और प्रकरण ये है कि किसी एक एम्बेसडर का नियुक्ति हुआ वो रशिया में या कहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो रमेश थापर पूछते हैं, हस्कर साहब हुआ करते हैं PN हस्कर, ही वॉज एक्चुअली द मेन पर्सन हु डू अपॉइंट। इंदिरा गांधी को सब मतलब इंदिरा गांधी हैड नो आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स, इंदिरा गांधी को समझ नहीं थी आइडियोलॉजी की, इसलिए टिल 77 लेफ्ट के साथ ही 80 के बाद शी बिकम प्रो हिंदू, जो पंजाब वाले क्राइसिस में सिर्फ प्रो हिंदू। तो इंदिरा गांधी डिडंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस थिंग बट व्हाट शी बिलीव शी यूज्ड टू डू वेरी फॉर्मली शी यूज्ड टू डू इट। लाइक PN हस्कर वाज लेफ्टिस्ट, सो PN हस्कर से पूछा कि आपने इसको क्यों बना दिया, ये तो इडियट है, ही इज अ फूल, दैट वाज द वर्ड यूज्ड। PN हस्कर ऐसे घूमते हैं और हंसते हुए बोलते हैं या बट ही इज ऑल्सो ए कॉम्युनिस्ट, सो व्हेन द क्राइटेरिया इज बीइंग जस्ट कॉम्युनिस्ट देन आपका सवाल का जवाब वही मिलता है कि बीइंग दे ऑलरेडी कॉम्युनिस्ट सो दे कैन बिकम हिस्टोरियन एंड एमिनेंट वन आल्सो, सो दे बिकेम। और दुख की बात यह कि हम यही हिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं आज की डेट में। मतलब मैं मोदी गवर्नमेंट से ही मेरी शिकायत है कि इतना कुछ पता होने के बाद भी हमारी NCERT की बुक्स चेंज नहीं हो रही। I was recently having a debate, a podcast on गुप्ता एम्पायर, तो पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर्स के बारे में कुछ है ही नहीं, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ है ही नहीं, जस्ट एक पैराग्राफ मेंशन है। चोलाज हो गए, अहोम्स हो गए। अहोम ने जो काम किया, यानी देवर देवर 500 years। चोलाज वे आई थिंक वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग एम्पायर्स में थे। No one talks. And the kind of work they did, they वो साउथ ईस्ट एशिया में गए, वहाँ उन्होंने सिविलाइजेशन को फैलाया, वहाँ कंट्रोल किया, यानी हमें कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। इवन अभी मैं लास्ट वीक आई वॉज हैविंग अ पॉडकास्ट अबाउट बाबर आभास के साथ, सो ही मेंशन कि बाबर ने अपनी पर्सनल डायरी जो बाबर नाम है उसमें लिख रखा है कि आज मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे इतने मंदिर तोड़े, मैंने इतने सारे लोगों को सर काट के मैंने टावर बनाया और ना जाने क्या क्या। एंड टू कोट ही मेंशन इन इट कि उसका जो फेवरेट, एक्चुअली ही वॉज अ बाईसेक्सुअल एज पर द लिटरेचर, एंड जो उसका फेवरेट बाईसेक्सुअल लड़का था उसका नाम था बाबरी, और बाबरी के लिए ही क्रिएटेड दैट, उसको क्या बोलना चाहिए, आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड, एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड बाबरनामा, व्हाट ही मेंशन्ड इट। नाउ आप देखिए, आपने हिस्ट्री बुक की बात की, एज ए ग्रोइंग अप चाइल्ड मुझे बाबर के बारे में एक ही चीज़ याद है, आपको भी याद होगा कि बाबर जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो बेचारा हुमायूं गिर जाता है। हाँ, हुमायूं की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो बाबर बोलता है कि मेरी जान चली जाए और हुमायूं की बच जाए। या एंड देन वो आती भगवान सुन लेते हैं और हुमायूं बच जाता है और यही डाइज। सो लुक एट द प्रोजेक्शन, एवरी ह्यूमन प्रोजेक्शन, सच ए गुड फादर ही वाज। आप हमारे बुक में पढ़ेंगे तो बाबर विल अपीयर लाइक, बाबरनामा के बारे में बहुत प्रेज किया जाता है, ही विल बी टर्न इनटू अ बोटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, जबकि ही वाज नथिंग, ही वाज अ बिगॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर who loved killing, वो मतलब लोगों का सर काट के वो उसका वो टावर बनाता था, वो he was a bigot of the first order। लेकिन हमारे हिस्ट्री में he is a human person, he is a God fearing person, he is somebody you know who loves environment, who loves you know biology, loves greenery। so ये तो हमारा हिस्टोग्राफी है, हमारे हिस्टोरियंस ने जिसको हीरो नहीं बनना था हीरो बना दिया। उनका अपना रीजन था, सी उनका ये था कि बीइंग कम्युनिस्ट, उनको इस देश को, उनको पता था कि देश को यदि कंट्रोल करना है तो देश के कल्चरल जो इथोस हैं उसको तोड़ दीजिए, अदरवाइज कम्युनिज्म कांट कम टू सनातन लैंड। जो इनका इसी जो अपनी स्ट्रेंथ है ना उसमें कम्युनिज्म नहीं सक्सेस, कम्युनिज्म तभी सक्सेस कर सकता है यदि इसको तोड़ा जाए। तो तोड़ने का क्या, जितने भी सिम्बॉल्स हैं हिंदुइज्म के उसको तोड़ो। तो एक सिंबल हो गया टेम्पल्स। टेम्पल्स आर नॉट जस्ट फॉर प्रेयर्स, आई ऑलवेज टेल दैट। टेम्पल्स वेयर द इंस्टीट्यूशन अराउंड विच हिंदू सोसाइटी रिवॉल्व्ड। वो हमारे मतलब लिटरेचर पर एजुकेशन देते थे, रोड्स बनाते थे, बांध बनाते थे, वो आपको इवन पैसा देते थे फॉर ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड का पैसा मंदिर से ही आता था, विच वॉज वेरी डेंजरस। मान लीजिए आप सी में जा रहे हैं और सी वापस नहीं आया, सारा पैसा डूब गया। सो हु कैन अफोर्ड दैट? टेम्पल्स शुड डू दैट। So temple used to, and that's why Bharatiya society used to be very strong. It remained strong till the time the British came, and even when there were strong rulers, like strong state was there. अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो strong state की आपको समझ आएगी, बहुत strong state है। But अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी आपको इंग्लिश मिलेगा कि अर्थशास्त्र also talked about strong society. It was like today जो हम चाहते हैं ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये वाले जो हम आज जिस पोजीशन में हम आज पहुंच रहे हैं, इस पर हमारे जो सिविलाइजेशन हज़ारों साल पहले हमारे जो सिविलाइजेशन गुरु थे पहुंचे हुए थे कि भैया राजा का काम आपको ये बिस्किट बनाना नहीं है, राजा का काम आपके लिए शैम्पू बनाना नहीं है, या फिर आपके लिए ये करना। राजा का काम है कि टू क्रिएट द इन्वायरमेंट वेयर एवरीवन फील सेफ, रोड्स बनाए, रोड की सुरक्षा करें कि भाई ट्रेड हो रहा है तो डकैती ना हो जाए, कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसका कुछ गलत ना हो जाए, इंटरनेशनल जो भी डिप्लोमेसी है रिलेशन उसको हैंडल करे, कोई अटैक हो तो उसको देखे। दिस वाज द वर्क ऑफ द स्टेट। स्टेट का काम ये नहीं था गांव में घूम के हम ये डिसाइड करें कि हाँ भाई आप ऐसे रहो वैसे रहो वो रहो। अशोक वाज एन एक्सेप्शन दैट वे, इसीलिए अशोक गॉट फॉरगॉटन। अशोक इज नॉट सीन एज आइडियल रूलर, एंड अशोक वाज नॉट एन आइडियल रूलर। अगेन हमारे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है अशोक को बनाया, बिकॉज आई थिंक दे वांट दैट काइंड ऑफ रूलर फॉर इंडिया, वाज अगेंस्ट सनातन धार्मिक यू नो ट्रेडिशन। सो दैट्स व्हाई दे टारगेटेड हिंदू, दैट्स व्हाई दे टारगेट ब्राह्मण्स। आप देखिए ब्राह्मण हैव बीन सेलेक्टिवली टारगेटेड इन द लिटरेचर, इन द फिल्म्स। एक टीका वाला आपको विलेन आपको हमेशा दिख जाएगा। इसका रीज़न ये है कि ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण, और ये डुबोई ने अपने बुक में बोला है, इस वजह से मिशनरी अपनी किताब में मेंशन किया कि यदि इस देश को कन्वर्ट करना है, ब्राह्मण को हटा दो, जब तक ब्राह्मण है आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इट वाज माय, एंड जब तक ब्राह्मण हुआ तब तक कम्युनिस्ट भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपको धर्म के प्रति ले जाएगा, वापस खींचेगा। तो भाई उसको विलेन दिखाओ, उसको लोभी दिखाओ, उसको सब गलत काम करते हुए दिखाओ, तो 10-20 बट वो नहीं था। आप कोई और मुझे कल्चर बता दीजिए कि पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को बोलेगा कि मैं धन नहीं रखूंगा, मैं राजा भी नहीं बनूंगा, कोई और कल्चर दिखा दीजिए आप, यू विल नॉट फाइंड। ये इस धरती का ही कमाल है कि वो ब्राह्मण है, ही मे बी नंबर वन बिकॉज ही इज ए माइंड, ही इज इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही विल गाइड लाइक कौटिल्या। कौटिल्या कुड हैव बिकम द किंग बट ही चोज टू बिकम चीफ मिनिस्टर, बिकॉज वो जानता है कि वो उसका काम ज्ञान देना है, रास्ता दिखाना है, बट ही वाज नॉट द रिचेस्ट पर्सन। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रिचेस्ट पर्सन, अशोक वाज द रिचेस्ट पर्सन। आप आज के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़े आदमी कौन है, या तो पॉलिटिकल क्लास होंगे या फिर अंबानी होंगे, टाटा होंगे, बिरला होंगे, अदानी होंगे। कौन बनना चाहता है टीचर जी? कोई नहीं बनना चाहता है। सो वही बात उसमें भी थी, लेकिन इज्जत तो होनी चाहिए। आप देखिए यदि आज के समाज की फेलिंग क्या है कि जो स्कूल में हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं हमें इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो टीचर्स बनते हैं कौन बनते हैं? 90% टीचर जिन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है वो फाइनली टीचर बनते हैं। तो इसलिए एजुकेशन का जो हमारा जो लेवल है नीचे जा रहा है। आप वहाँ रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट से पैसे से नहीं होती, पैसे भी दें, दे शुड हैव अ डिसेंट लाइफ बट यू शुड प्रोवाइड द रिस्पेक्ट, तब तो लोग आएंगे कि यार यहाँ रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट हमारे धार्मिक ट्रेडिशन में थी और वही था, पावर नहीं थी। ब्राह्मण डिडंट हैव द पावर, दे हैव द मोरल पावर थी, मोरल पावर थी। लाइक मैंने सदगुरु आज बोलते हैं कुछ तो मोरल पावर होती है ना, तो वो मोरल पावर थी उनके पास, आर्मी थोड़े। मेरा रिसेंटली आई वाज रिसर्चिंग समथिंग फॉर माय बुक, तो मैंने एक चीज़ निकाला जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक और बोल रहा हूँ मैं, तो जो हमारे 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर आप इसको कंपेयर करें जो आपके रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी ने लिखा है कि फर्स्ट कैटेगरी जो कि आर एक्चुअली वर्कर्स, जो काम करते हैं और किसी के लिए काम करके दे अर्न मनी। सेकंड क्लास जो कि अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं। थर्ड क्लास जो कि बिजनेस करते हैं। एंड फोर्थ क्लास इज द इन्वेस्टर्स। तो आई वाज जस्ट कंपेयरिंग विद आवर वर्ण व्यवस्था, हमारी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही थी। ऐसे लोग जो शूद्र, जो किसी के लिए काम करते थे और उससे अपना पैसा कमाते थे। देन जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनका स्किल था, नॉलेज थी और अपनी स्किल से पैसा कमाते। जब तक एक ब्राह्मण अपनी नॉलेज से मंत्र जाप कर रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, पैसे कमा रहा है, जब वो खत्म तो उसकी स्किल खत्म, तो अगली जनरेशन अपना स्किल डेवलप करेगी। देन जो हमारे वैश्य थे, वैश्य थे बिजनेसमैन, वो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, सारा कुछ वो देखते थे। एंड देन दे वर क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या था? उनको इन्वेस्टमेंट देना, बिजनेस ओनर्स को उनकी प्रोटेक्शन करना, ट्रेड रूट्स मेंटेन करना। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हम जो कियोसाकी की बुक में बात करते हैं, जो उनका ट्री है 3 का, हमारी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल वही थी, बट हमने टाइम के साथ हमारे हिस्टोरियंस ने उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के ना उसको जातियों में बांट दिया। एंड दिस इज हाउ हैज इंपैक्टेड आवर कंप्लीट रिलीजियस सिस्टम। कास्ट हैज बीन लाइक यू नो, कास्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इनफैक्ट कास्ट इज नॉट ए संस्कृत वर्ड, इट्स ए पोर्तुगीज वर्ड, तो हमारा ये टर्म है ही नहीं। ये बहुत बात का फिनोमेना है, ये हमें गलत बताया जाता है। हमारे पीपल वांट टू प्रोजेक्ट हिंदुइज्म इज रॉन्ग, तो पीपल आई दैट्स व्हाट आई हैव प्रॉब्लम विद पीपल हु रेज क्वेश्चन ऑन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम गलत है। दीस आर द सेम पीपल हु हैव प्रॉब्लम विद हिंदुइज्म, दे हैव प्रॉब्लम विद हिंदुइज्म पर से, इसलिए वो कास्ट के प्रॉब्लम। आई एम एब्सोल्युटली डिसगस्ट फॉर एन इंस्टीट्यूशन जो ये बोले कि आपका जन्म चूंकि एक बड़े परिवार में हुआ है तो आप बड़े हो गए। That's absolutely, I did with discussion and every educated person, every जो भी थोड़ा समझदार आदमी हो सबको गलत है कि ये गलत है। भाई हमारी जो संस्था थी वर्ण व्यवस्था, हमारी संस्था वही थी। आप देखिए ब्राह्मण, ये आपको बुद्ध से पूछा गया ऑफ ऑल पीपल, मैं बुद्ध का एग्जाम्पल इसी दे रहा हूँ, द एग्जाम्पल्स इन उपनिषद ऑल्सो एंड वेद ऑल्सो। बुद्ध से पूछा गया कि हु इज ए ब्राह्मण, सो सबसे ऊपर उन्होंने सील रखा था, शील आपका व्यवहार, आपका आचरण, ज्ञान, उसके बाद ज्ञान रखा, इस तरह से। सबसे लास्ट में उन्होंने बर्थ को रखा था कि यह सीखे लास्ट में, अच्छा जन्म हो गया। सो दैट केम लास्ट। फॉर बीइंग ब्राह्मण यू हैव टू हैव दिस क्वालिटीज टू बी ब्राह्मण। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था। सी इट्स नॉट ईजी। एक चैप्टर है महाभारत में और ये डेंट गेट्स रिपीटेड, ये आपको अर्थशास्त्र में भी रिपीट हो रहा है, और मनु जिनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं, मनु के भी धर्मशास्त्र में रिपीट होता है। यदि एक ही क्राइम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करे तो आज के समय में क्या उस पनिशमेंट मिलेगा? चलो सबको फांसी दे दो। एक बात कर रहा हूँ, हीनियस क्राइम है तो फांसी दे दो। हमारा जो सिस्टम कितना इवॉल्व था आप उससे देखिए। उसमें था सबसे ज़्यादा पनिशमेंट ब्राह्मण को मिलेगा, बिकॉज ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, समझदार है, ही नोज एवरीथिंग। उसने दुनिया देखा है, वो जानता है, जो गलती जानते हुए की है तो उसका जो प्रपोर्शन सबसे बड़ा है। लाइक 10 साल है तो 40 साल मिलेगी। उसके बाद मिलेगा क्षत्रिय को, ही हैज द वेयरविथल, ही हैज द रिसोर्सेज टू नो कि भाई वो गलत कर रहा है। सबसे कम शूद्र को मिलेगा, बिकॉज उसको जानकारी नहीं है। भाई नहीं था, गलती बच्चा है, वो एक तरह से उसने दुनिया नहीं देखी है। ये आपको लीगल सिस्टम कहाँ मिलेगा? आप कहीं दुनिया में दिखा दें मुझे ऐसा लीगल सिस्टम। दिस इज फॉल प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम ना। सबका जुर्म एक साथ देना तो बेवकूफ लोग कर देते हैं। क्या भैया आँख बंद कर दो। व्हेन यू ऑल्सो नो दैट एज ए पर्सन हुआ इनेबल, यदि आप मान लो पढ़े लिखे हो, आप मान लो प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनता है, आपको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप एम्पावर्ड भी तो हो। ये हमारे धर्म में लिखा, ये तो हमें लोग नहीं बताएंगे। लोग रोज़ मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं और दूसरे कोई रिलीजन टेक्स्ट की बात नहीं करते। इसमें और भी बातें लिखी होंगी, बोलते हैं उनको पता है यहाँ गालियाँ नहीं पड़ेंगी, जूते नहीं पड़ेंगे उनको, बट ये सब बातें हैं। सो हमारा जो अपना जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था, इनफैक्ट एक मैंने चैप्टर में अपने बुक में मेंशन भी किया है उसका कि अरुणी हुआ करते थे। तो अरुणी गए गुरु से पढ़ने के लिए, ये उपनिषद में। तो गुरु ने पूछा उनसे कि अच्छा ठीक है अपने बारे में बताओ। तो अपनी माँ के बारे में बताया कि मैं उस माँ का पुत्र हूँ। तो अच्छा बाप? बोला मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं मोम ऑल्सो डजन नो। इसके लिए सो जवाब गुरु का क्या है? यू आर ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण कैन अटर सच इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स। ये ब्राह्मणहुड था। ब्राह्मण ये थोड़ा था कि मेरा बाप ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण बन गया, ये तो बाद में हुआ जनाब, ये बाद में। और मैं आपको एग्जाम्पल उसका भी देता हूँ। आपको द बुक बाय द ब्यूटीफुल ट्री, हमारे वो गांधीयन थे धर्मपाल जी, उनका बुक है द ब्यूटीफुल ट्री। आई थिंक एवरीवन शुड रीड द बुक। उसमें उन्होंने क्या किया है कि 18th सेंचुरी में जो भी आपको बंगाल प्रोविंस हो गया, आपको पंजाब प्रोविंस हो गया, और साउथ में आपको मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया प्रोविंस। यहाँ का जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको कोट करते, उनका कोट है ये, उनको कोट करते हुए वर्णन किया है कि उसमें का सिचुएशन क्या था। Bengal had at that time 100,000 schools. Every village in Bengal had a school. That school might not be today's modern school, St. Thomas St. John's नहीं हो, but there were schools providing skills. और वो skills based education होता था कि ब्राह्मण को क्या स्किल चाहिए तो वो दिलता था। और वहाँ आप जब जाएंगे, जब वही आप काशी में बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ they were almost equal representation of even the caste like doms and chamars. वो पढ़ते थे। आपको इससे और भी हैरानी हुई जान के कि जो टीचर्स थे वो डोम चमार्स कम्युनिटी से भी आते थे। तो सबको ज्ञान मिलता था उनके हिसाब से क्या चाहिए। तो अब आपकी क्षमता मान लीजिए राइटर की नहीं है, अब मैं आपको राइटर बनाने में जोर दूँ तो नहीं बनेंगे आप। सो सबका अपना एक लीनिंग होता है, एक अपना वो होता है, उस हिसाब से एजुकेशन थी। तो वो एजुकेशन तो 1835 में अब मैकॉले ने तोड़ दिया उसको। और हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी फेमस, आई वांट टू क्रिएट इंडियन इन ब्लड बट यू नो ब्रिटिश इन थॉट प्रोसेस एंड वैल्यूज एंड एवरीथिंग। तो जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई वही थी कि वो इंडियन तो थे देखने में, लेकिन हमारे चाचा नेहरू की तरह थे वो, who say that I'm the last Englishman in this country. So that was the problem. आपकी बुक नेहरू आपने क्या वर्ड यूज़ किया, नेहरूयन, तो एक आपने बड़ी अच्छी बात नहीं बन गया आपकी बुक में एक बड़ी सी चीज़ है जो टेम्पल रिस्टोरेशन की बात है, मतलब लाइक सबसे पहला रिस्टोरेशन हुआ था जब राजा जयसिंह ने हरि सिंह जयसिंह ने करवाया था विश्वनाथ टेम्पल का। उसके बाद सीधा बात होती है सोमनाथ मंदिर की, जिसके लिए कि मुंशी ने और सरदार पटेल ने इनिशिएटिव लिया था, बट नेहरू वॉज अपोज, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग दैट। और उसके बाद 1950 में वो हुआ, उसके बाद फिर जो रिस्टोरेशंस हुए हैं, प्रॉपर रिस्टोरेशन फंड्स हैं, वो मोदी गवर्नमेंट ने किया। So this much gap you talked about this. Yeah, no, in the past in fact the other people also walked. क्या होता था, टेम्पल टूटते रहते थे, क्या होता था ना, इट वाज लाइक अ सीजनल अफेयर। जो मुगल और सल्तनत रूलर थे ना, ये बेसिकली अर्बन सेंट्रिक रहते थे, अर्बन गैरिसन में रहते थे, तो अपने सीजनल में निकलते थे और निकलेंगे तो तोड़ते हुए, मतलब आज वेस्ट की तरफ गए तो आप गुजरात और राजस्थान जितने टेम्पल मिले तोड़ते हुए निकल गए। तो जब वो वापस चले जाते थे तो धीरे धीरे फिर कम्युनिटी आती थी और धीरे धीरे बनाना शुरू करते थे। गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है आपका आज़ादी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने आपका आज़ादी तो डेफिनेटली काम नहीं किया। इनफैक्ट आप देखिए राम मंदिर किस तरह से बनाया, क्योंकि मैं आई वाज रीडिंग समवेयर इन सम आर्टिकल्स, करोड़ों में रुपए खर्च किए गए टू रिस्टोर कुतुब मीनार, जितने भी मुगल्स के मकबरे बनाने हों, ये सारे इन 50-60 सालों में इन सारों को रिस्टोर किया गया, बट नन ऑफ द टेम्पल्स वे रिस्टोर्ड। That has been the problem. The temple you see temple with distress. But यहाँ मैं एक बात और भी बोलूँगा, ये हमारी भी प्रॉब्लम है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम। हम इतने कमजोर, यू नो वी आर वेरी स्ट्रांग सोसाइटी टिल द टाइम ब्रिटिश केम। ओवर द ईयर्स हमें इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि अब हम सब चीज़ में स्टेट की तरफ देखते हैं। आई थिंक ये हाई टाइम है कि हमें अब मतलब हम 80% पॉपुलेशन है भाई, वी हैव टू ऑल्सो नो दैट यू नो व्हेन टू शो योर स्ट्रेंथ। शक्ति प्रदर्शन थोड़ा सा कोई भी करना चाहिए। अब देखिए हाँ माइनॉरिटी 15% में कैसे वो करते हैं, कहीं करते हैं, बट वो करते हैं तो उसका फ़ायदा कैसे होता है। इन्होंने शक्ति प्रदर्शन कभी किया नहीं, इन्होंने अपने राइट्स के लिए भी कुछ नहीं किया। आप सोचें कि जैसे टेम्पल का इशू, लिबरेशन की बात है, यदि हिंदू समाज आज खड़ा हो जाए कि आप हमारा टेम्पल रिलीज करो, तो कोई सरकार क्यों नहीं खड़ेगी भाई, जो डेमोक्रेसी है। आपको लगता है कि राम मंदिर सिर्फ इसीलिए बनाया कि मोदी साहब ने किया, राम मंदिर इसलिए बनाया कि इसके लिए बहुत माहौल था, मोदी जी ने बहुत काम किया। दैट्स व्हाई पीपल ऑफ द कंट्री विल बी ग्रेटफुल एंड आर ग्रेटफुल। बट ये मोदी जी की खासियत है कि ही अंडरस्टूड दैट पीपल आर रियली वांटिंग दिस, और दैट्स व्हाई ही सक्सेसफुल। आप देखिए कि 84 के बाद से किसी भी सरकार को मेजोरिटी नहीं मिली थी, और यहाँ मोदी जी आए तो मतलब पहली मेजोरिटी ली, दूसरी उससे बड़ी ली, और जो अब 24 की बात हो रही है, शायद वो बोली है कि वो सबका रिकॉर्ड बाप ऑफ ऑल मेजोरिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। ही कैन अंडरस्टैंड दैट एंड ही ऑल्सो मोल्डिंग इट अप। उनकी खासियत ये भी है कि वो उसको बहुत अच्छे से सेव कर रहे हैं, हैंडल भी कर रहे हैं, टू एन एक्सटेंट वो बोलते हैं रस भी ना करें। सो ही डूइंग दैट। बट ये हमारी प्रॉब्लम, हमारी आई थिंक जब तक हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने बहुत परफेक्टली किया, क्योंकि आपकी बुक में जहाँ बात होती है संचार कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 10 मार्च 2007 में, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, आपकी बुक से पता चला कि जो कंडीशंस ऑफ मुस्लिम इन बंगाल, दैट्स द वर्स्ट, कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन गुजरात इज द बेस्ट। तो जो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस अपने आपको एज ए मुस्लिम सपोर्टर पार्टी क्लेम करते हैं, दे आर डूइंग लॉट इन द बंगाल, वो सारे धरे जाते हैं। सी वही बात है, जब आप वहाँ वो उनके कम्युनिटी लीडर्स की और वहाँ के लोगों की गलती है कि आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आपको धरातल पे आपको परिवर्तन चाहिए या फिर सिर्फ जवानी चाहिए। धरातल पे तो दिख रहा है बंगाल में ज़्यादा पूरे आपको बंगाल जाने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली में भी चले जाएँ तो लोकेलिटीज वे दे लिव यू कैन फाइंड द डिफरेंस। चिरागे दिल्ली चले जाएँ, मैं गया हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। आपको वहाँ रेंट इजीली मिल जाएगा, बहुत सस्ता घर मिल जाएगा, लेकिन आप रहना नहीं चाहेंगे। सो देयर रीजन फॉर दैट। सो ये चीज़ तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्राइमरी उस कम्युनिटी लीडर्स को और कम्युनिटी को स्पेशली समझना। जैसे मैं बोला कि हिंदू की प्रॉब्लम है, दे हैव नॉट इवन आस्क फॉर, उन्हें लगता है कि हिंदू टेबल ठीक है, सरकार कर रही है, अच्छा है यार, अच्छा ही कर रही है। उसी तरह से इनको भी समझना पड़ेगा कि लाइक लास्ट 10 years आप देखें ऑन ग्राउंड दिस गवर्नमेंट हैव डन मोर फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग देम हाउसेस। रोड्स तो सबके लिए बनते हैं, हाउसेस में दे ऑलमोस्ट हैव 1/3 ऑफ द इंटायर हाउसिंग स्कीम के बेनिफिट माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिल रहा है। तो ये तो उनकी जो डेली लाइफ है वो चेंज हो रही है ना, चेंज तो हो रही है, बट है ये आप उसको यदि नहीं मैटर करता है तो फिर तो मतलब आप उसी जंजाल में रहना चाहते हैं। और मैंने इसीलिए अपने बुक में बोला भी है कि आई थिंक यूसीसी हिंदू शुड नॉट गो बियॉन्ड अ पॉइंट आस्किंग फॉर यूसीसी। यूसीसी में हिंदू को तत्काल कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हमने तो 50 में मांग लिया हिंदू सिविल कोड, तो यूसीसी आएगा तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान ही हो, क्योंकि भैया ये तो सरकार है ना, कुछ गिव एंड टेक करती है, तो कुछ और कोई लॉ डाल दे जो हमारे अगेंस्ट चले जाए। लेकिन इससे माइनॉरिटी को फायदा, यदि वो तैयार नहीं है तो लेट देम बी। बट हिंदूज एज ए हिंदू आई एम सेइंग, एज ए सिटीजन आई वांट दिस कंट्री टू हैव यूसीसी, बट एज ए हिंदू आई बिलीव दैट ओके इफ दे डोंट वांट एंड वर्ल्ड में हमारा नाम बदनाम हो रहा है, सब जगह बोला जा रहा है डेमोक्रेसी खतरे में है, भाई क्यों भाई आप यूसीसी ला रहे हो। लुक एट द आयरनी, यूसीसी इज द साइन ऑफ प्रोग्रेसिज्म। सबको आप एक लॉ दे रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो। और लिबरल मीडिया अक्रॉस द वर्ल्ड बोली है कि अच्छा यूसीसी ला रहे हो, मतलब आप हिंदुत्व तो स्लाइड कर रहे हो। सो ये तो अपने आप में परसेप्शन, ये तो डबल स्पीक है, ये डबल स्पीक है। नहीं बट जो आप कह रहे हो ना कि मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, तो आपकी बुक से ये कोट आता है जहाँ जब महात्मा गांधी पहली बार बनारस गए थे इन 1937 आई थिंक, एंड ही कोटेड, मैं इसको रीड करना चाहूँगा। ही सेड कि द अप्रोच वॉज थ्रू अ नैरो एंड स्लिपरी लेन, क्वाइट देयर वॉज नन, द सॉनिंग फाइल्स एंड द नॉइज मेड बाय द शॉपकीपर्स एंड पिलग्रिम्स, वी परफेक्टली इनसफरेबल। Then he said something that, but still he never said or placed any. So this is what he said. उन्हें भी वहाँ जाके अच्छा नहीं लगा था, बट इतने सालों में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि उस शनाद गली को सही कर दिया जाए। और आप वहाँ जाके देखें, यू फील आपको खुद ही एक सेंस ऑफ प्राइड तो आएगी, पहली बार मैं तो अर्ली पहले गया हूँ लास्ट मंथ। हाँ तो मैं लास्ट मंथ तक गया हूँ, और जब आप उसका जब पहले गए हैं और फिर गए हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा, वो अच्छा ये क्या हो गया। तो ये आपको दिखाता है कि नहीं ये पॉसिबल है, चेंज एक समय लगता था ये पॉसिबल नहीं ना, ये अब ये तो ऐसे ही रहेंगे जी, यहाँ कुछ मतलब मैं जब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी छोटे में गया हूँ पर मुझे ये लगा था कि यार इस गली को कभी कोई बड़ा नहीं कर सकता, नहीं होता एग्जैक्टली। तो ये जो फीलिंग थी कि ये अब ऐसे ही होगा, हर मंदिर है। It needed a willpower of somebody like Modi to do it, and that's why you know where you have to give credit, you have to give credit. आप वहाँ जाएं तो like and that change is really perceptible. आज के टाइम में आप देखें तो यानी young population हमारे आप ऐसे लोग बनारस में जा रहे हैं, घाट पे घूम रहे हैं, और तो एक तरह से क्या होता है कि लग रहा है कि नो जो आज का जो वर्तमान है भारत के नो भूत से नो साक्षात्कार कर रहा है, मिल रहा है। बनारस सबसे पुरानी शहर है भाई, सबसे पुरानी शहर है मानी जाती है, तो वहाँ यदि हमारी यंग जनरेशन जा रहा है और इतने लार्ज नंबर में जा रहा है तो अपने आप में दे रहा है कि भारत इज वेकिंग अप दुनिया। और मैं बोला हूँ कि ये ना जो भारतीय जाग रहा है इतिहास के प्रति, अपने सिविलाइजेशन के प्रति, ये अपने आप में एग्जाम्पल है, पीपल गोइंग लार्ज नंबर इन बनारस। एक और चीज़ आपकी बुक से आती है सामने अबाउट नेहरू, नेहरू वॉज अ डिक्टेटर, और ये स्पेशली इसलिए आता है क्योंकि आपने 2-3 इंसिडेंट मेंशन करे हैं, एंड आई एम स्पेशली कोटिंग देम। जैसे कि आपने एक बताया कि वेयर चांदनी चौक में एक इवेंट में नेहरू स्लैप्ड वन ऑफ द पार्टी वर्कर, और अनदर इंसिडेंट आपने मेंशन किया वहाँ पे जो कुछ साधु थे जहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, एंड वो एब्रप्टली बाहर आए एंड ही स्लैप्ड वन ऑफ द साधु। ऑल्दो आई सर्च दीज स्टोरीज ओवर गूगल एंड एवरीवेयर, एंड समहाउ आई वॉज नॉट एबल टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर। कहीं मेंशन था कि नहीं ये फेक खबर है, दिस इज अ वायरल पोस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, सीताराम गोयल की किताब में है। हां बट दैट्स व्हाई आई स्पेशली आई एम कोटिंग दिस। अब आप मुझे बताइए मतलब व्हाट द रियलिटी बिहाइंड दिस। सो सीताराम गोयल की बुक है वाई एम हिंदू, उसमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। सो जो पहला इंसिडेंट है आई थिंक ये चांदनी चौक का था जहाँ इंसिडेंट हो रहा है, और एक आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो जो माइक होता है जब भाषण देने जाते हैं तो काम नहीं करता है, एंड ही वाज सो एंग्री ही स्लैप्स हिम राइट अवे। सो ये अपने आप में दिखाता है कि नो सी आप ऐसा कहीं देख नहीं सकते हैं कि लीडर ऐसे खड़े हुए ऑप्टिकली शायद पर्दे के पीछे कर दे, सबके सामने ऐसा नहीं करेगा। और बट दूसरा घटना है वो उससे बड़ा खतरनाक है, वो है जब साधु बेसिकली एंटी काओ को नहीं मारने का बिल के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके घर के आगे। तो नेहरू जी बाहर आते हैं अपनी बहन के साथ, विजयलक्ष्मी पंडित जी साथ में आती हैं, और बिना कुछ बोले हुए साधु आते हैं। तो साधु ना सी उसमें था ना, देश आज़ाद हुआ था तो ऑप्टिमिज्म था, तो जो भी है इनको लगता था कि हमारे लीडर है, चेंज करेंगे। नेहरू से बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें, क्योंकि एक तो रीज़न ये भी था कि महात्मा गांधी उनको आगे किया था। महात्मा वॉज सीन एज ए होली मैन। इस देश में यदि आपको मूवमेंट चलानी है ना तो बिना धार्मिक हुए नहीं चला सकते, गांधी से एग्जाम्पल है। सो गांधी गिव दैट क्रेडिबिलिटी एज ए लीडर। सो लोगों को उम्मीदें बहुत थी जब, और सिर्फ इसी देश की बात नहीं बोला हूँ मैं पढ़ रहा था क्लॉड आर्पे की बुक, तो जब ये चाइना वहाँ अटैक किया तो जो तिब्बतन लोग थे दे होप अगेंस्ट होप कि नेहरू विल डू समथिंग फॉर अस, नेहरू करेंगे हमारे लिए। एंड नेहरू कुंडू नेहरू एक्चुअली हेल्प द अदर साइड बाय प्रोवाइडिंग चावल टू PLA इन तिब्बत, बाद में डेटा रिसर्च आया। तो बट दैट्स अ डिफरेंट। सो ये उम्मीदें थी उस समय के लोगों को कि ठीक है वो बोलते हैं रेशनल है, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है मॉडर्न होना चाहिए। हिंदू वांट टू सी, हिंदू बाय नेचर इज लिबरल एंड मॉडर्न। सो उन्हें ये बातें अच्छी लगती है कि भाई मंदिर क्यों चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इट विल रेजोनेट विद मोस्ट पीपल। बट ये था कि तो जब ये बाहर निकले तो साधु वहाँ प्रोटेस्ट करते पर दौड़े दौड़े गए उनके पास ऐसे ही करके। एंड दैट वाज अ भाव कि भाई बाप कुछ करें। एंड भाई साहब ने कुछ बिना बोले हुए चाचा जी ने अपना तड़ाक तड़ाक 2-3 झापड़ लगाए, और बात वही ख़त्म नहीं हुई, उनकी बहन भी पीछे नहीं थी, उन्हें भी लगा दिया। सो उस समय क्या था कि सीताराम गोयल को ये घटना एक ब्रिटिश उनके मित्र ने बताई थी, जो उस समय फोटोग्राफर भी थे, तो वो उस समय वो कवर कर रहे थे, वहाँ थे वो। तो उन्होंने बोला कि यार बताइए यार ये कैसे मार सकते हैं, वो अमेरिका से आए थे। बट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नॉट कवर्ड एनीवेयर इन मीडिया। कैसे कवर, तो बोला मीडिया इज वाई मीडिया टुडे मीडिया इज लिबरल एंड वाई नॉट लिबरल एट दैट टाइम। आप कैसे बोलेंगे बताएं ना, आप बोलेंगे तो आप रहेंगे ना, बस वही होती है हिस्टोरियंस की बात। अब आप ये सोचें कि वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन हिस्ट्री सिंगल हैंडली डन बाय सीताराम गोयल एंड राम स्वरूप जी, फिर भी उनकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं जी, उनकी बहुत सारी बातों पे लोग टिल द टाइम यू नो अरुण शौरी ने वो किताब नहीं लिखी, एमिनेंट हिस्टोरियन लोगों ने नहीं किया, लेकिन एमिनेंट हिस्टोरियन जो है अरुण शौरी की बुक वो लार्जली बेस्ड ऑन व्हाट सीताराम गोयल जी हैज फाउंड आउट। वो आदमी ने सिंगल हैंडली जो कबाल है लेफ्टिस्ट कबाल उसे डील किया और डील किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस समय सब चीज़ अपने हाथ, सोशल मीडिया थी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में थी। आप देखिए प्रोवाइडेड हिम नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वो बंदा कहीं लिख नहीं सकता था, कहीं छप नहीं सकता था, कहीं कुछ बोल नहीं सकता था, कोई बुलाएगा नहीं बोलने के लिए। तो फाइनली थी वो साइटली रिच पर्सन, थोड़े पैसे थे उनके, तो उन्होंने अपना पब्लिकेशन शुरू किया, अपनी वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन नाम से शुरू की, जो आज आप ही देखेंगे सम ऑफ द माइलस्टोन बुक्स यू विल फाइंड देयर ऑन हिस्ट्री, ऑन कल्चर, ऑन रिलीजन। सो वो आदमी अपने घर से करके किया। लेकिन ये जो इकोसिस्टम, जो लिबरल इकोसिस्टम जो आप बोल रहे हैं कि इतने सेकुलर थे, इतने डेमोक्रेट थे, जो डेमोक्रेट थे तो वाई कुंट यू नो सीताराम गोयल फाइंड ए प्लेस टू पब्लिश हिज बुक। इतने ही लिबरल आज तो सबको मिलता है भाई, मोदी गवर्नमेंट 10 साल से है, लेकिन क्या बरखा दत्त की बुक नहीं छपती है क्या? तो आपकी बुक छपी है ना थापर। अब मेरी बुक भी छप रही है, एग्जैक्टली पहले शायद मुझे खुद ही छापनी पड़ती, या कोई ऐसा पब्लिशर छापता कि वो कोई जानता नहीं उसको, तो 10 कॉपी मैं ही खरीदता और 10 कॉपी शायद लाइब्रेरी खरीद लेते हैं बुक। नहीं, फ्रेंकली टेलिंग यू व्हेन आई वाज रीडिंग योर बुक, मैं अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा ये बुक छपी कैसे, कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो शायद पॉलिटिकली कई लोग इस बुक को रोक देते हैं, पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी है। बट देन आज आप सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये इकलौती बुक नहीं है, अब ऐसी बुक आ रही है, सारी बुक और एक वे में आ रही है। अब ये दैट फ्यूचर इज अमेजिंग। वो है ना, बांध टूटता है ना तो पानी और बढ़ता है, अभी तो बस टूटा है। दिस शोज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए विक्रम की बुक आई है, काशी की बुक, अब ऐसे और नए राइटर्स की सो मेनी बुक्स आर कमिंग। सो अब वो जो अब रोकना मुश्किल है उस आंधी को। एंड डजेंट मैटर मिनिस्ट्री मीडिया को सपोर्ट करे ना करे, पब्लिशिंग करे, सोशल मीडिया आपके साथ है भाई। सोशल मीडिया इज ए वन बेस्ड, इसको किसी की जरूरत नहीं है। वो मोदी जी कल गलत करेंगे तो उन्हें गाली पड़ेगी, और राहुल गांधी तो खैर गलती करते हैं, उनको तो है ही। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है फॉर द कमिंग जनरेशन, जो एक हमेशा आजकल एक बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है, नाथू की सोच या गांधी की सोच। और जो जनरेशन है, अब आप उसको सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कह लो या हिस्ट्री की समझ कह लो, बट जो अभी जनरेशन है दैट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स नाथुअन सोच। क्या आपका इस पर सोचना सही है? आई एम ग्लैड आपने एक सवाल पूछा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं सोचता हूँ कि इस देश में इस देश की सोच ही रहनी चाहिए, ना नाथू की रहनी चाहिए ना गांधी की रहनी चाहिए। धार्मिक सोच इस देश में अपने यहाँ बहुत सोच थी, इसीलिए कोई यहाँ मतलब फादर ऑफ नेशन नहीं होना चाहिए या फिर गॉड फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ नेशन कोई था भी नहीं, तो बनाया। हाँ बनाया, जो भी है। तो कैसे हो सकता है जिस देश में राम पैदा हुए हैं फादर ऑफ नेशन गांधी कैसे हो सकते हैं? आप सोचिए ना, ये तो गलत है। गांधी जी जिसकी पूजा करते थे रात दिन, मरते मरते जो हे राम बोलती है। मतलब आई स्टिल बिलीव दैट, आई नो। मुझे ये मैंने भी पढ़ा है कि स्वामी जी ने अपना सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला कि मीथ है, बट आई स्टिल गो विद दैट मीथ। ठीक है, राम बोले भाई, अंतिम समय था। आई बी ग्रेसियस इनफ कि राम बोल के आए, तो राम बोल के जो आप राम बोल के आप उनके फादर हो गए। तो ये तो विकृत सोच थी उस समय की, जो इन्होंने ऐसा सोचा। बट मैं आई कम टू द लार्जर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने गांधी की सोच और नाथूराम की सोच। और मैं बोलता हूँ इस देश में सोच धर्म की सोच होनी चाहिए। धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ ड्यूटी। आजकल क्या हो गया ना, राइट्स की बड़ी बात होती है। जी ये मेरा अधिकार है, जी मैं यहाँ पार्किंग करूँगा। ड्यूटी की बात नहीं होती। ऐसा नहीं यार, यहाँ मैं पार्किंग तो आगे वाले को दिक्कत तो नहीं होगा। धर्म वॉज दैट, धर्म मेड यू थिंक अबाउट द ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है समाज के लिए, बाप के लिए, दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए, एक ड्यूटी सेंस वो नहीं था। सो आई थिंक वो होना ज़्यादा जरूरी है रदर में गांधी या नाथूराम। बट नाथूराम पे मैं आना चाहूँगा कि नाथूराम वॉज डेफिनेटली नॉट ए क्रिमिनल, आई एग्री विद दैट पॉइंट। बट नाथूराम डिड ए ह्यूज डिससर्विस टू हिंदुइज्म एंड हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। I always believe that, and I'll say it again. Many people may not like it. जब नाथूराम ने गांधी की हत्या की थी, उस समय सही नहीं था। गांधी आप हिस्टोरी देखें, गांधी उस समय तक बाय द टाइम अपने आप हाशिए में थे। गांधी वॉज मार्जिनलाइज्ड। नेहरू बात नहीं करते थे भाई। नेहरू को समझ में आ गया था कि यदि गांधी 5 साल और रहते ना, तो सबसे बड़ा नेक्स्ट मूवमेंट नेहरू के खिलाफ शुरू करते। ये क्या कर रहा था? गांधी बिलीव इन ग्राम स्वराज, और नेहरू भैया फैक्ट्री पर विश्वास करते थे, सोशलिस्टिक थे वो रशियन, तो उनको 5-year प्लान पे विश्वास था। तो नेक्स्ट तो मूवमेंट वही करते। बट बाय किलिंग गांधी एट दैट अपॉर्चुन टाइम और इन अपॉर्चुन टाइम, दे इंश्योर दैट हिंदूज आर पुश्ड बैक बाय डिकेड्स। अब देखिए, हिंदू महासभा वॉज वेरी स्ट्रांग पावर, पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई। वो मौका, they looked at that मौका, that opportunity provided by नाथूराम गोडसे and destroyed हिंदू महासभा। RSS पे बैन भी था, RSS पे बैन था, पर RSS वाज नेवर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो मतलब बड़ा बच्चे चलते थे जी। बट हिंदू महासभा वाज वेरी अपफ्रंट। इट टुक 3 decades फॉर हिंदूज टू कम आउट ऑफ दैट शॉक। 3 decade लगे। 80s में जाके राम जन्मभूमि मूवमेंट से शुरू हुआ। तो 3 decade उनकी एक गलती से, वो गलती थी। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों मारे जो कि आप अपने आप हाशिए में हैं? गांधी वाज साइड लाइन, गांधी वाज मार्जिनलाइज, गांधी को कोई नहीं पूछता था भाई। अब और गांधी में मेरा तो कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन डेलिबरेटली डिडंट ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम। आप मकरंद प्रांजपे की बुक पढ़ें, गांधी आफ्टर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें उन्होंने बोला कि 15 या 16 डंडे वाले जवान थे पूरे बिरला हाउस उस दिन, डिस्पाइट द फैक्ट कि 10 दिन पहले सेम बंदों ने अटैक किया था, बम से अटैक किया। 10 बंदे थे लाठी वाले भी। So, ऐसा तो नहीं था कि दे ऑल्सो मारने से किसको फायदा हुआ? नो वन कैन प्रूव इट, बट मारने से एक फायदा डेफिनेटली हुआ, नेहरू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ ना। ही हैड अ फ्री हैंड, ही कुड क्रश हिंदू मूवमेंट, ही कुड क्रश एवरीथिंग आउट। ही हैड अ डिस्ट्रस्ट फॉर हिंदुइज्म, Hindus organization, Hindu institution and Hindu psyche went back by 3 decades. So उनकी एक गलती, so I see a mistake. So I don't think India needed Nathuram's vision. He didn't have vision. He worked out of impulse. और वो impulse का हमने बहुत चुकाया है. But I will not say he was some criminal or he was a dictator. he loved this country, his notion was wrong. वो किया देश के लिए, उसको मॉनिटरी कोई फायदा नहीं था, उसे लगा वो सही है देश के लिए किया, लेकिन बहुत गलती की उसने, सोच गलत थी उस टाइम में। सर हमारे शो का एक रिचुअल है, आपने पता नहीं मेरे पूरे पॉडकास्ट देखे हैं कि नहीं देखे, बट जो भी यहाँ पे ऑथर्स पब्लिशर्स आते हैं हम एक छोटा सा बुक डांस करते हैं, 10 सेकंड डांस जिसमें कि हम रीडर्स से व्यूअर्स से अर्ज करते हैं कि आप जाइए बुक पढ़िए, क्योंकि एज एन ऑथर आप भी ऑथर है, मैं भी ऑथर हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं सब कुछ, फिर भी कोई कहता है कि यार रीडरशिप जा रही है, यार लोग ने यूट्यूब वीडियो देख लिया, आप सोचेंगे यार वीडियो देख लिया मतलब सब कुछ समझ गए, उनको बताना होता है कि यार वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, और आपसे हम एक स्टेप आगे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू रीड अ बुक, नॉट ओनली दिस बुक बट ऑल दी बुक्स आवर रीडिंग हैबिट्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन मी फॉर 10 सेकेंड। सो दोस्तों It's really, really wonderful to have you on the show. Thank you, sir.